वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है, जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है, जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वन टेस्ट सीरीज, प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231 327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। इसके पहले और भी वीडियोस जो अपलोड हो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के, पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इस इंडेक्स नंबर के वीडियो को देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशलाइज्ड एवरेज थ्रू विच द चेंजेस इन ए डाटा रिलेटेड टू टाइम स्पेस इज प्रेजेंटेड इन ए रिलेटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म। मतलब इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एवरेज ही है ये, मतलब एवरेज का ही एक स्पेशलाइज फॉर्म है, जिसके मदद से हम लोग क्या देख फाइंड आउट कर सकते हैं कि डाटा में टाइम टाइम के चेंज होने पे या टाइम के चेंज होने पे या पीरियड के चेंज होने पे क्या उसमें कंपैरिजन, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, चेंज इन डाटा रिलेटेड टू टाइम और स्पेस। ठीक है, तो टाइम के वैरी होने से या स्पेस के वैरी होने से, टाइम पीरियड के चेंज होने पर, ईयर के चेंज होने पे किसी डाटा में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, उसी डाटा को हम लोग जब स्टडी करते हैं, किसके हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, इंडेक्स नंबर क्या है, इट इज ए बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, P1/P0 × 100। P1 मींस द करेंट ईयर प्राइस, P0 मींस बेस ईयर प्राइस से प्रीवियस ईयर प्राइस। जैसे कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा, इंडेक्स नंबर हमको बताता है कि क्या टाइम के चेंज होने पर आपके डाटा में क्या चेंजेस आ रहा है, इसी का हम लोग करते हैं स्टडी इंडेक्स नंबर में। तो इसको कहा गया बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। तो प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिलेशन, मतलब बेस ईयर के प्राइस से करेंट ईयर के प्राइस में कितना चेंज आया है, इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए, इन चेन बेस इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक रिलेटिव। याद रखना है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर में प्राइस रिलेटिव को हम लोग लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, चलिए इसको पढ़ते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 / सिग्मा P0 Q0।
P1 means the current year price, Q0 मतलब base year quantity, sigma P0 means base year price, sigma Q0 Q0 मतलब base year quantity. फ्रेंड्स इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, देखिए ऊपर क्या है 10, 10 मतलब नीचे क्या है 00, ये है तरीका याद रखने का. P और Q तो यूज होंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 00 इनटू 100, तो सबके प्रीफिक्स में लगा, एक बार लगाइए P, दूसरे बार लगाइए प्रीफिक्स में Q, फिर प्रीफिक्स में लगाइए P, दूसरे बार लगाइए Q, और एक और चीज क्या लगा लीजिए सिग्मा. तो समझ में आ गया कितना आसान तरीका है इसको याद रखने का. फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड हम लोग वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, वेटेड प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय वेट. वेट क्वेश्चन में दिया होता है, वेट आप लोग निकालने नहीं आएगा इतना एग्जाम में, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए फिशर आइडल इंडेक्स नंबर को. देखिए फिशर आइडल इंडेक्स नंबर के हेल्प से प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0. आप लोगों को 1 और 0 का मतलब समझ में आ गया, 1 मतलब करंट ईयर को लेके बात करता है और 0 मतलब बेस ईयर को लेके बात करता है. ठीक है, तो सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1. याद रखने का सबसे सही तरीका देखिए क्या है, इधर है 10 डिवाइडेड बाय 00 मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या है 11 डिवाइडेड बाय 01, तो 10 10 11 0001, यह है तरीका याद रखने का. तो एग्जाम में अगर नहीं भूलना चाहते हैं तो इसको आप लोग शॉर्टकट वे में याद रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर अगर प्राइस के रिलेटेड पूछा है, प्राइस रिलेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, तो 10 11 डिवाइडेड बाई 00 मल्टीप्लाइड बाई 01. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स अगर पूछा है तो जहां P लिखा है वहां पे Q लिख देना है और जहां पे Q लिखा हुआ है वहां पे P लिख देना है. देख लीजिए सिग्मा P0Q1, इधर देखिए क्या लिखा हुआ था, 1 पे क्या था Q, P था, यहां पे 1 पे Q आ गया. ठीक है, तो वही कहा मैंने, जहां पे P लिखा है वहां पे Q कर दीजिए, जहां पे Q लिखा है वहां पे P कर दीजिए, तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइम रिवर्सल टेस्ट, P01 इनटू P10 इज इक्वल टू 1, इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूलेस. टाइम रिवर्सल टेस्ट P01 इनटू P10 इज इक्वल टू 1. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट P01 इनटू Q01 इज इक्वल टू, देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में प्राइस और क्वांटिटी दोनों के लिए बात किया जा रहा है. ठीक है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 ये फॉर्मूला होता है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है इंडेक्स नंबर को मेजर करने का. ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इंडेक्स नंबर, इट इज अ टाइप ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, हाउएवर चेंज वेट आर यूज इन दिस फॉर्मूला. ठीक है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इंपॉर्टेंट है कि फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई दोनों को करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी. इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, फिशर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेरे एंड पास्चे. ठीक है, इसको ऐसे भी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लेस्पेरे इंटू पास्चे. तो फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेरे एंड पास्चे. अब लेस्पेरे पास्चे का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, लेस्पेरे पास्चे का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेस्पेरे मेथड से प्राइस रिलेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इनटू 100 मींस 10/00 इनटू 100. ठीक है, पास्चे मेथड से सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100. फ्रेंड्स ये P01 मतलब क्या होता है, P01 मतलब करंट ईयर के कंपैरिजन में, करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना चेंज आया, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना चेंजेस आया, ये P01 जहां पर भी 01 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या चेंजेस आ रहा है. ठीक है,
वैसे इतना नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, ये बस बता दिया कि ताकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रह सके। डॉर्बिस बाउले मेथड कॉफिशियंट ऑफ कोरिले, डॉर्बिस बाउले मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स नंबर? देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियरे पास्चे इंडेक्स नंबर पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियरे एंड पास्चे इंडेक्स नंबर डॉर्बिस बाउले। फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू हाफ सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब जब हम सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। एवरेज मीन्स द अर्थमेटिक मीन। वही तो कहा है कि लेस्पियरे पास्चे मेथड को ऐड करे और डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो आ जाएगा मेरा क्या? डॉर्बिस बाउले मेथड, मीन्स इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियरे इन पास्चे। मार्शल एजवर्ड मेथड P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1। फ्रेंड्स इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऐसे याद रखो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 00 प्लस 01। तो अभी तक मल्टीप्लाई आ रहा था, अब देखिए मार्शल एजवर्ड मेथड में क्या आ जा रहा है? प्लस आ जा रहा है। तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 00 प्लस 01 ये किसका हो जाएगा? मार्शल का। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसमें प्लस आ रहा है, अब तक सबके बीच में क्या आ रहा था? देखिए लेस्पियरे को देख लीजिए, पास्चे को देख लीजिए, जितने भी इसके प्रीवियस फॉर्मूले थे उसमें सब में मल्टीप्लाई हो रहा था। केलीज मेथड, और केलीज मेथड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का, P1Q डिवाइडेड बाई P0Q मल्टीप्लाइड बाई 100। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर, डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स देखिए रियल इनकम और वेजेस। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर में अगर आपको रियल इनकम वेजेस पहले फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट होगा? रियल इनकम और वेजेस, मनी इनकम और वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो प्राइस इंडेक्स नंबर आया होगा उसको डिवाइड में रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। रियल इनकम इंडेक्स नंबर ये फाइंड आउट क्या किया? रियल इनकम को फाइंड आउट किया। अब रियल इनकम के इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है तो रियल इनकम ऑफ करेंट ईयर, रियल इनकम ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो फ्रेंड्स ये था आपका इंडेक्स नंबर। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।